टू वोम इट सेंट, उसी के थ्रू जिसने उसको भेजा हो। मतलब जैसे अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने किसी को कुछ भेजना है और मैंने उसको एड्रेस लिखना है, तो क्या है कि उसी को ही वो चीज़ पहुँचनी चाहिए जिसका एड्रेस, जिस एड्रेस पे भेजी गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल, आपके पास एन ई मेल इज़ सेंट टू अ पर्सन, एक ई मेल है किसी पर्सन को सेंड की गई है, इट इज़ रिसीव बाय द पर्सन हु वोम इट इज़ एड्रेस, उसी को ही पहुँची जाएगी ये जिसका ईमेल एड्रेस होगा, जो मैं मेंशन करूँगी ईमेल एड्रेस, उसी को ये ईमेल सेंड होगी। दिस इज़ मैनेज्ड बाय द प्रोटोकॉल यूज इन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसको कौन मैनेज करता है? वो प्रोटोकॉल्स, वो रूल्स जो सेट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट विदाउट अ एरर, ठीक है, जो 100% एक्यूरेट होता है, बिल्कुल ट्रू होता है। सो इट सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज एक्यूरेटली विदाउट एनी चेंज। अब हमारा काम क्या होता है कि हमने, अब ऐसा ही है कि हमने कुछ पहुंचाना है किसी को, सो हम उसमें चेंज तो नहीं करेंगे, वही चीज़ होगी जो कि ऑर्डर की गई है। इसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम में भी जो मैसेज किसी दूसरे पीसी को पहुंचाया जाता है, किसी दूसरी पॉइंट पे या किसी दूसरी डेजिग्नेशन पे पहुंचाया जाता है, वो विदाउट ऑफ एरर होता है। मीन उसमें कोई भी एरर नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता। इट इनकोरेक्ट डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सिस्टम, करेक्ट डाटा इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सिस्टम, इट नॉट बी यूजेबल बाय द रिसीवर, तो रिसीवर उसको यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, डाटा इज़ ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफ़र किया गया है, द डाटा इज़ नॉट करेक्टली रिसीव टू द डेजिग्नेशन, इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स, तो वो दोबारा उसी सोर्स को भेजेगा कि